सो गाइज इट्स डे 6 और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं गंगानगर, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी खराब होती जा रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि RT-PCR या फिर कोविड का जो रैपिड टेस्ट होता है वो करवा लिया जाए, क्योंकि यार अभी क्या सीन चल रहा है ना कि पहले जो लेवल था ना बुखार का, वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बढ़ रहा है। और वैसे भी आज मेरे को 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ, घर से क्या इवन रूम से बाहर भी 5 दिन बाद निकला हूँ, और आज है मेरे को 6th डे। तो आई थिंक मेरे को करवा लेना चाहिए चेकअप, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यार इस सिचुएशन में। अगर टाइम रहते हुए पता चल जाए तो अच्छे से ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो बस इसी रीजन की वजह से अभी फिलहाल हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और अभी मैं रास्ते में खड़ा हूँ, गंगानगर की तरफ जा रहा हूँ। तो वहां पे जाके करवाते हैं चेकअप और देखते हैं भाई साहब क्या कुछ आता है रिपोर्ट में। आई होप कि सब कुछ अच्छा ही रहे, नेगेटिव आए सब कुछ, बाकी देखते हैं यार, कुछ भी हो सकता है, कहने को कुछ भी नहीं कह सकता मैं अभी फिलहाल। फाइनली यार टांडिया यूनिवर्सिटी से निकल चुका हूँ मैं, और सैंपल अपन ने दे दिया है, और उसका जो रिपोर्ट है नेगेटिव पॉजिटिव का वो कल शाम तक मेरे मोबाइल फ़ोन पे बाय मैसेज आ जाएगा, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि क्या कुछ रिपोर्ट है। और भाई बिल्कुल मतलब टाइम नहीं लगा यहाँ पे, स्पेशली मैं इसी काम से आया था गंगानगर, और बिल्कुल 4 से 5 मिनट में 1-2 फॉर्म फिल किए मैंने, और फाइनली सैंपल देने गया। तो वहाँ पे भाई साहब उसने क्या किया, कॉटन बड्स को नाक के अंदर इंसर्ट किया और मुँह के अंदर इंसर्ट किया, 2 सैंपल लिए, और बस इतना ही काम था। बाकी अब रिपोर्ट कल आएगी, तो कल ही पता चल पाएगा भाई कि अपन सेफ हैं या फिर कुछ भी, मतलब जो भी है यार, कुछ भी अगर होना है ना वो कल पता चलेगा। तो अभी यार फिलहाल घर की तरफ जा रहे हैं और मिलते हैं आपको घर पे पहुंच कर। गाइज यार गंगानगर से जस्ट आने के बाद ना मैं थोड़ा सा ना लो हो गया था, यानी थोड़ा सा डीमोटिवेट टाइप का यार कुछ हो रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने वीडियो कल कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन भाई उसके बाद पता है रात को क्या हुआ, लगभग 12:30 बज रहे थे शायद, मैं मूवी देख रहा था कोई अमेजोन पे, और तभी जस्ट तभी मेरे फोन में आता है नोटिफिकेशन, और भाई नोटिफिकेशन किसका था, नोटिफिकेशन था टांडिया यूनिवर्सिटी वालों का, और उसमें लिखा था कि आपका ये नाम है, ये नंबर है, और ऐसे आपका कोविड रिपोर्ट पढ़ते ही भाई ऐसा नहीं देखा मैंने पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हार्ट बीट ना अप डाउन होने लगी। फटाफट से जैसे नीचे नजर मारी तो देखा, क्या देखा कि वहां पे लिखा था भाई साहब कि आप हैं बिल्कुल नेगेटिव। उसका मैं यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ उस मैसेज का। तुरंत पता है मैंने क्या किया, वो पढ़ते ही मैंने फोन वगैरह को ना साइड में रखा, और सबसे पहला काम ये किया ना, पूरे रूम की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए, और पहले पूरे घर में चक्कर लगाया मैंने, एक नीचे गया, ऊपर पीछे छत पे जाके आया, सब तरफ जाके आया। तो यार बता नहीं सकता कितनी खुशी फील हुई उस टाइम, क्योंकि यार पिछले 6 दिनों से यार एक कमरे के अंदर बंद था मैं, तो 6 दिनों के बाद जब वहां से निकला ना उस टाइम, तो तब पता चली कि वैल्यू क्या होती है, एक आजादी क्या होती है। हालांकि सब कुछ मुझे मिल रहा था रूम के अंदर, लेकिन फिर भी यार फ्रीनेस भी एक चीज होती है। आजादी का सही मायने में जो मतलब है ना, वो तभी पता चलता है जब आप कैद के अंदर रहे हो। तो भाई फिर यार मैंने सोचा घर वालों को भी बता दी जाए, यार सबको टेंशन हुई पड़ी थी, तो 12:30 का टाइम था, सब सो रहे थे, तो मैंने सोचा सुबह सरप्राइज ही देंगे डायरेक्टली। खुशी खुशी में फिर नींद तो आने वाली थी नहीं, तो मूवीज वगैरह देखता रहा, और काफी टाइम हो गया, 1-2 बजे सोया लगभग मैं। और फिर क्या हुआ, सुबह जैसे ही उठा
उड़ते ही घर वालों ने देखा यार खिड़की दरवाजे सब खुले पड़े हैं, क्या सीन क्या है। फिर उन्होंने सोचा वैसे छोड़ दिए होंगे, तो उठ के मैं गया नीचे। नीचे जाते सब मेरे से दूर भाग रहे हैं, सब बोल रहे हैं एकदम से यहाँ पे क्या कर रहा है तू, ऊपर जाना। मैंने कहा आपको एक चीज बतानी है, मेरा रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुका है। तो मतलब यार इतना खुशी हुआ ना उनको, पूछिए मत आप। तो वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला वो डायलॉग है ना, वो याद आ रहा है कि मौत को टक से छू के वापस आए। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता यार भाई मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि प्लीज इस चीज को थोड़ा लाइटली मत लीजिए। और मुझे पता है, मैं इस चीज को फील कर चुका हूँ कि कैसा होता है एक कमरे में आइसोलेट होना। अभी कल की न्यूज है यार, मेरे साथ में एक लड़का पड़ा हुआ था, मेरा क्लासमेट था स्कूल टाइम में, और उसकी कोविड के कारण यार डेथ हो गई। काफी रिलेशन में भी एक दो लोगों की डेथ हो चुकी है इस चीज से। तो बहुत लोग सफर कर रहे हैं यार, हालात बहुत बुरे हैं। तो अभी फिलहाल अपना पहला काम यह है कि वैक्सीनेशन करवाएंगे, फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवाते ही, क्योंकि वैक्सीनेशन होना जरूरी है। पहले मैं इसलिए नहीं लगवा रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर कोविड हुआ ऊपर से वैक्सीनेशन और करवा लिया तो डबल, मतलब कुछ यार ऐसा वैसा ना हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा था प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी ना उसके बाद ही वैक्सीनेशन करवाऊंगा। तो अभी फिलहाल उसी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर फटाफट करवाते हैं वैक्सीनेशन। और यार इन 6 दिनों के अंदर ना मेरा सबसे बड़ा मेरा साथी रहा है ये कैमरा, और आप सबके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, मैं वीडियोस डालता हूँ डेली और फिर आपके कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई करता हूँ। तो इन सब में ना काफी मतलब थोड़ा बिजी रहा मैं, तो थोड़ा टेंशन भी कम हुआ, लेकिन फिर भी यार माइंड पे बहुत प्रेशर था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो एकदम से काफी हल्का फील हो रहा है। अभी फिलहाल मैं जिम नहीं जाने वाला, अभी जिम में मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, घर पे ही वर्कआउट वगैरह करूंगा। और अगर ज्यादा लंबे टाइम तक अगर ये रहता है सिचुएशन, तो यार मैं देख रहा हूँ कि होम जिम सेटअप करेंगे और घर पे ही वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यार वर्कआउट के बिना रहना तो इम्पॉसिबल सा है, मैं रह ही नहीं सकता। आदत पड़ चुकी है इस कदर की बस पूछो ही मत। अब मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ ना पिछले 6 दिनों से, तो काफी वेट पुट ऑन हुआ है, पेट मेरे को लगने लगा है कि पेट बाहर आ रहा है, तो इसको भी लूज करना है कार्डियो वगैरह कर करके। तो घर पे ही करेंगे अभी तो फिलहाल जो भी होता है। तो जिम वगैरह तो फिलहाल मेरे को लगता नहीं है कि जा पाऊंगा मैं। वैसे ऑफिशियली तो सभी जिम्स बंद है, लेकिन मेरे फ्रेंड की जिम है वो ओपन रहती है, यानी वो खुद एक दो जन करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि तू भी आ जा साथ में, ज्वाइन कर ले, हमें कर लेंगे। तो यार अब पेरेंट्स भी, सही बताऊं तो पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, मेरे को मना कर रहे हैं, क्योंकि एक बार इंसिडेंट हो चुका है तो वो दूसरी बार चांस नहीं लेना चाहते कि अगर बाय चांस अगर कुछ हो गया, डेली मैं घर से वहां जाऊंगा और वापस आऊंगा, कुछ भी हो सकता है यार। इसलिए सबने मना किया, तो माननी पड़ेगी यार घर वालों की बात। तो एक बार के लिए ना थोड़ा सा ब्रेक देते हैं जिम को और घर पे ही कर लेंगे यार लाइट सा वर्कआउट वगैरह। और वैसे भी मैंने रेजिस्टेंस बैंड वगैरह मंगवाए हैं डिकैथलॉन से, वो मेरे यार फंसे पड़े हैं पिछली 10 तारीख से। कोरियर वाले को, कोरियर से नहीं आए हैं बेसिकली, उनको स्पीड पोस्ट से भेज दिया उसने, तो वो यार डाकिया दे के नहीं जा रहे हैं उनको। बहुत मुश्किल हुई पड़ी है, 10 तारीख से आए हुए हैं, अब तक अगर आ जाते तो मैं वर्कआउट स्टार्ट कर देता। लेकिन बॉडी वेट वर्कआउट अभी भी चल रहा है अपना, जैसे पुशअप वगैरह हो गए, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह ये कर लेता हूँ। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं यार, मेक श्योर लाइक जरूर करके जाइएगा, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।